नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहारी न्यूज आज से एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहा है, जिसमें आप दिन भर की राजनीति से जुड़ी प्रदेश और देश की प्रमुख खबरों के बारे में जानेंगे। इस सेगमेंट की शुरुआत करने के पीछे का मकसद भी यही है कि हम आपको राजनीतिक से जुड़ी हर घटनाओं के बारे में अवगत करवा सकें। उम्मीद है कि आप हमारे इस सेगमेंट को भी खूब प्यार देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पॉलिटिकल बुलेटिन की ओर। विपक्षी विरोध के बीच तेजस्वी की इफ्तार पार्टी कल होगी आयोजित। बीते दिनों शुक्रवार को बिहार के सीएम द्वारा रोजा को लेकर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां कई नेताओं का जमाव रात देखने को मिला, लेकिन चिराग और बीजेपी के नेता ने खुद को इस पार्टी से दूर रखा। साथ ही साथ बीजेपी द्वारा इस इफ्तार पार्टी को लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला। वहीं आज जदयू की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और जदयू के इस इफ्तार पार्टी के बाद अब राजद द्वारा भी इफ्तार पार्टी का ऐलान किया गया है। दरअसल इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव द्वारा ट्विटर पर दी गई है। उन्होंने बताया है कि 9 अप्रैल को शाम के 6 बजे राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सभी रोजेदारों से शिरकत करने की भी गुजारिश की है। नालंदा और बिहार शरीफ की घटना को लेकर चूंकि बिहार सरकार चिराग पासवान बिहार हिंसा को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा है कि सासाराम और नालंदा कांड में अपनी गलती को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दरअसल उन्होंने यह बयान बिदुपुर के बिशनपुर राजखंड में आयोजित यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान कही है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अपने खुफिया तंत्र के इस तरह की घटनाओं की पहले जानकारी रखे और पर्याप्त प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ इस तरह की घटना होने से रोके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी से चूक गई है। मौलाना टोपी पहनकर पीएम का सपना देखने वाले सुनने पर होंगे आउट वाले पोस्टर को बीजेपी ने किया जारी। बिहार में पोस्टर वॉर की राजनीति अक्सर अपने चरम पर देखने को मिलती है। इस बार भी नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार में बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर वॉर करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है। बता दें कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि लाल किला के बैकड्रॉप में मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट हो जाएंगे। वहीं इस पोस्टर में आगे लिखा गया था कि हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं और भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करती है। बताते चलें कि रमजान के अवसर पर कल मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था। इस इफ्तार पार्टी में सभी दलों के लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया था, जहाँ कई दलों के नेता मौजूद तो रहे, लेकिन इस इफ्तार पार्टी से बीजेपी ने दूरी बनाई रखी। शास्त्री नगर में हुए अग्निकांड को लेकर पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के पप्पू यादव ने सीएम नीतीश से की मांग। पटना के शास्त्री नगर में हुए आगलगी की घटना में पीड़ित परिवारों से मिलने जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव शनिवार के दिन पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने इस घटना की जानकारी ली, साथ ही साथ पीड़ित परिवार से बात कर कुछ परिवारों की आर्थिक रूप से मदद भी की और आगे भी हर संभव मदद करने की बात भी कही। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी के इतने प्रमुख लोकेशन पर ऐसी घटना हुई है, लेकिन अभी तक यहां मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री या फिर विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार से इस बात की भी मांग की कि पीड़ित परिवारों को अविलंब मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा पर हमला करते हुए राजद विधायक ने कहा, भाजपा मतलब सबसे बड़ी झूठी और दंगा करने वाली पार्टी। बिहार के नालंदा और बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर हिंसा की घटना देखने को मिली थी। इस मामले को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा भाजपा पार्टी पर हमला बोला गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगा हुआ, वहां पर तो शासन बीजेपी एनडीए की चलती है, भाजपा के द्वारा ही प्रशासन की बागडोर संभाली जाती है, तो वहां दंगा कैसे हुआ था? अब जब बिहार में दंगा हो रहा है तो बीजेपी हमसे पूछ रही है। बीजेपी की जनता का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता भी जानती है कि भाजपा मतलब सबसे बड़ी झूठी पार्टी और यह दंगा कराने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। सीएम नीतीश ने बीजेपी के इफ्तार पार्टी के आरोप पर कहा कि साथ थे तो वे भी करते थे, अलग होने के बाद क्या क्या बोलते हैं। नीतीश कुमार के जदयू के इफ्तार की पार्टी का आयोजन आज नीतीश कुमार के आवास पर किया गया था, जहाँ कई राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ भी बीजेपी पार्टी ने दूरी बनाई रखी। इसी आयोजन के बीच मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2017 से इफ्तार पार्टी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, कोरोना के वजह से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो पाया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जब साथ में थी तो क्या इफ्तार पार्टी नहीं करती थी? वे लोग भी इफ्तार देते थे, अलग होने के बाद वे क्या क्या बोलते हैं? दरअसल बीजेपी द्वारा यह आरोप लगाया गया था हिंसा के कारण बिहार जल रहा है और सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। वाराणसी दौरे पर गए तेज प्रताप ने होटल प्रबंधक पर बदसुलूकी का लगाया आरोप।
एक होटल प्रबंधन द्वारा वाराणसी में बिहार सरकार में पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ एक बदसलूकी का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले को लेकर वाराणसी में सिगरा थाने में तेज प्रताप द्वारा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। दरअसल उन्होंने होटल प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि उनके अनुमति के बिना ही कमरे को खोलने और एक अन्य कमरे में रखे सामान को बिना सूचना दिए ही निकाल कर रिसेप्शन पर रख दिया गया। इस पर होटल प्रबंधक द्वारा इस मामले को लेकर कहा गया है कि उनके बुकिंग का समय खत्म हो गया था, उन्होंने उनके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं की है। बता दें कि इन दिनों तेज प्रताप वाराणसी के दौरे पर थे। 2024 और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को हो जाएगा अपने लोकप्रियता का अंदाजा। मनोज तिवारी। बिहार के बक्सर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। विपक्ष चाहे जो कुछ भी कर ले, बीजेपी उन्हें जीरो से आउट कर देगी। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, पूरे देश की जनता बिहार को देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि नीतीश कुमार को भी अपनी लोकप्रियता का अंदाजा 2024 और 2025 के चुनाव में हो जाएगा। गिरिराज सिंह के निजी सचिव पर टीएमसी के सांसदों ने गुमराह करने का लगाया आरोप। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक पत्र लिखा गया है। दरअसल इस पत्र के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि उनके सांसद जब कार्यालय में गुरुवार के दिन जब उनसे मिलने गए, तब उन्हें मंत्री के निजी सचिव द्वारा यह बोलकर गुमराह कर दिया गया कि गिरिराज सिंह दिल्ली से बाहर गए हैं। बता दें कि यह बात लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन के हस्ताक्षर वाले पत्र में कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 25 सांसद गुरुवार के दिन गिरिराज से मिलने पहुंचे थे। शास्त्री नगर में हुए अग्निकांड मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया जायजा। पटना के शास्त्री नगर में बीते ही दिनों 6 अप्रैल को आग लगने के दौरान घरों में रखे गए सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इस घटना में लगभग 200 से भी ज्यादा झुग्गी जलकर राख हो गई। लोगों को आर्थिक रूप से काफी क्षति भी पहुंची। इस घटना का जायजा लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने हुए घटना का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवारों का सांत्वना भी दिया। इस घटना को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि केबी सहाय स्कूल में पीड़ित परिवारों के रहने और भोजन करने की व्यवस्था की गई है। इस घटना में हुए नुकसान को लेकर पीड़ित लोगों की मदद करने की बात भी उन्होंने कही, ताकि लोगों का जीवन जल्दी खड़ा हो सके। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, महागठबंधन के नेता ही दावते इफ्तार का कर रहे हैं विरोध। कई सालों से बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास पर दावते इफ्तार को लेकर भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार दंगों की आग में झुलसा हुआ है। पीड़ितों के घर में जाकर मरहम लगाने की जरूरत है। पीड़ितों को छत और रोटी की दरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दावते इफ्तार में व्यस्त हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के लोग ही दावते इफ्तार का विरोध कर रहे हैं। आजम बारी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी दावते इफ्तार के निमंत्रण को लौटा दिया है। अदानी पर जेपीसी क्यों नहीं चाहते वाले मामले को लेकर शरद पवार ने कही ये बात। महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक नेशनल कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार अदानी मामले को लेकर दिए गए अपने एक इंटरव्यू के कारण अपने ही लोगों के बीच नजर में आ गए हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर शरद पवार द्वारा सफाई भी दी गई है। दरअसल उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले को लेकर कहा कि मेरा इंटरव्यू अदानी पर नहीं था, मुझसे कुछ सवाल उन्हें लेकर किए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी क्यों नहीं चाहने वाली बात को लेकर कहा कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। यही वजह है कि वे जेपीसी नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लेकर कह दी ये बात। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कथित तौर पर कहे जा रहे अदानी की बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से यह पूछा है कि अदानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। साथ ही साथ जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा है और जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन पर भी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। बता दें कि अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने अदानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का नाम भी जोड़ दिया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि सच्चाई छुपाते इसलिए रोज भटकाते हैं, सवाल वही, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के बेनामी पैसे किसके हैं। एक बार फिर से तेलंगाना सीएम केसी राव ने प्रधानमंत्री से बनाई दूरी। आज के दिन यानी शनिवार 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर है। तेलंगाना के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
साथ ही साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस दौरान इस बात की भी खबर सामने आई है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी के आने पर उनका स्वागत नहीं किया। मुख्यमंत्री केसी राव के जगह राज्य सरकार की तरफ से मंत्री टी श्रीनिवास यादव को प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग के रूप में नामित किया गया था। यह कोई पहली बार नहीं है। दरअसल इससे पहले भी तेलंगाना के दौरे पर आए प्रधानमंत्री को रिसीव करने मुख्यमंत्री केसीआर नहीं पहुंचे थे। वायुसेना के सैन्य अड्डे से राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से भरी उड़ान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का तीसरा और अंतिम दिन था, जहां वे असम दौरे के अंतिम दिन में तेजपुर पहुंची। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से वायुसेना के सैन्य अड्डों से उड़ान भरे। इससे पहले भी वर्ष 2006 में अब्दुल कलाम और वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। बता दें कि गुवाहाटी में आयोजित हो रहे गजराज महोत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने दौरे के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मानव और प्रकृति के बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाला और कहा कि मानवता और प्रकृति के बीच के रिश्ते से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं होता है, इसलिए पशु पक्षियों का कोई नुकसान ना हो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी कौन सी है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।